अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। हम रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान रेलवेज़ की VIP नॉन स्टॉप ट्रेन 36 डाउन ससैयद एक्सप्रेस के लोकोमोटिव यानी इंजन में सफ़र करेंगे, जबकि हमारे साथ हैं ट्रेन के ड्राइवर मोहम्मद इम्तियाज़ इंजीनियर और उनके असिस्टेंट मोहम्मद रफ़ीक़। ये वीडियो कई हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम आपको रावलपिंडी वज़ीराबाद ट्रैक के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम करेंगे। उसके बाद 8 से 10 हिस्सों में इस ट्रैक के मुख्तलिफ सेक्शंस, पुलों, सुरंगों, ओवरहेड ब्रिजेस, स्टेशंस और इन स्टेशंस के गिर्दो निवाह में बसने वालों की तारीख व सकाफत की तफसील बताएंगे, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्सों में ट्रेन की अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प वाक़यात शामिल करेंगे। यह है वो रेलवे इंजन जिसमें हम सफ़र करेंगे। यह जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका का GEU-20 सीरीज़ का इंजन है, जिसे 2019 में पाकिस्तान रेलवेज़ में शामिल किया गया था। पाकिस्तान के पास इस किस्म के 20 इंजन मौजूद हैं। 2000 हार्स पावर यानी 1490 किलोवाट ताकत का हामिल ये इंजन 64,500 पाउंड या 325 टन से ज़्यादा वज़न खींच सकता है। इसमें 1600 इंपीरियल गैलन यानी 7,273 लीटर डीजल की गुंजाइश होती है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 75 मील या 121 किलोमीटर है। इस कंप्यूटराइज्ड इंजन में दीगर बुनियादी सहूलतों के अलावा बेहतरीन हीटिंग और कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है। ये इंजन सर सैयद एक्सप्रेस को फैसलाबाद पहुँचाएगा, जहाँ ट्रेन में मजीद बोगियाँ शामिल करने के अलावा 3 या 4 हार्स पावर का नया इंजन लगाया जाएगा, जो ट्रेन को कराची तक ले जाएगा। हम रावलपिंडी से रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज के तमाम छोटे बड़े स्टेशन पर ट्रैक तब्दील करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। हर स्टेशन की दोनों जानब कैबिन्स में दर्जनों लीवर मौजूद होते हैं और उन्हीं की मदद से ट्रेन को मतलूबा ट्रैक पर मुंतकिल किया जाता है या गुजारा जाता है। कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान के कई रेलवे स्टेशन ऐसे थे जहां से रुके बगैर ट्रेन का गुजरना नामुमकिन था, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद अब रावलपिंडी, वज़ीराबाद, लाहौर, कोटरी, खानेवाल और रोड़ी जैसे बड़े स्टेशन से ट्रेन को 5 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजारा जा सकता है। रावलपिंडी रेलवे यार्ड में दाखिल होने या यहाँ से रवाना होने की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 5 से 15 किलोमीटर फी घंटा है। अब हम मेन रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। वज़ीराबाद तक हम सिंगल ट्रैक पर सफ़र करेंगे और अप साइड से आने वाली ट्रेन को रास्ता देने के लिए किसी एक ट्रेन को किसी स्टेशन पर रोककर दूसरी ट्रेन को गुजारा जाएगा। रावलपिंडी और वज़ीराबाद के दरमियान 24 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें चकलाला, सेहाम, कल्याम आवान, मंदरा जंक्शन, गुंगरेला, गुजर खान, मिस्सा कसवाल, सुहावा, तरक्की, बुकराला, रतयाल, दीना, कुल्लोवाल, काला गुजरा, जेहलम, सराय आलमगीर, चुआ कड़ियाला, खारियाँ, खारियाँ कैंट, चकपीराना, लाला मूसा, देवना जलियानी, गुजरात और हरिपुर बंद शामिल हैं। पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक ML-1 यानी मेन लाइन 1 कहलाता है। रावलपिंडी से वज़ीराबाद तक रेलवे ट्रैक इसी ML-1 का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 100 मील यानी तकरीबन 161 किलोमीटर है। ML-1 का पहला हिस्सा 1861 में कराची से कोटरी तक बनाया गया था, जिसके बाद मुल्तान से लाहौर और आगे लाला मूसा को मिलाया गया, जबकि 1884 में लाला मूसा से पेशावर तक रेलवे लाइन बिछाई गई। ML-1 बुनियादी तौर पर बरतानवी राज की दिफाई ज़रूरियात के पेश नज़र बनाई गई थी, जो कमर्शियल से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन थी। रावलपिंडी वज़ीराबाद रेलवे ट्रैक को PNSR यानी पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे की हैसियत से शुरू किया गया था। PNSR के मौजूदा रूट के लिए पहला सर्वे 1857 में किया गया और बरसों की सियासी और फौजी बहस के बाद इसे लाहौर पेशावर रेलवे का नाम दिया गया। फैसला किया गया कि इस रेलवे ट्रैक को बरतानवी राज के मातहत काम करने वाली हुकूमत हिंद तामीर करेगी। चुनाचे 1870-71 में पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे यानी PNSR का क़याम अमल में लाकर
इसे लाहौर से पिशावर तक रेलवे की तामीर और चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएनएसआर लाइन का पहला सेक्शन 1873 में खोला गया। 1883 में दरियाए सिंध पर अटक पुल की तामीर के साथ ही लाहौर और पिशावर को वहां मिला दिया गया। ये हिंदुस्तान की पहली रेलवे थी जिसे 1886 में हुकूमत हिंद के कंट्रोल में लिया गया था। पीएनएसआर 3 फुट 3.3 बटा 8 इंच चौड़ी मीटर गेज के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट रेलवे गेज पॉलिसी बदल गई और इसे 5 फुट 6 इंच चौड़ी ब्रॉड गेज लाइन में तब्दील कर दिया गया। 1871-72 की रेलवे रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रैक बिछाने के दौरान दरियाए रावी, चनाब और जेहलम पुलों की तामीर हिंदुस्तान में अब तक किए जाने वाले सबसे मुश्किल कामों में से हैं और ये बाकी लाइन की तरह जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए मुमकिन है कि दरियाओं के दरमियान रेलवे ट्रैक पहले खोल दिए जाएं। यूं पीएनएसआर मीटर गेज के लाहौर लाला मूसा जेहलम सेक्शन का 103 मील यानी 165 किलोमीटर का पहला हिस्सा सितंबर 1873 से सितंबर 1876 के दरमियान मरहलावार खोला गया। इसी दौरान जनवरी 1874 में हुकूमती पॉलिसी तब्दील हो गई, चुनाचे मीटर गेज को ब्रॉड गेज ट्रैक में बदलने का काम भी शुरू किया गया जो 1878 में मुकम्मल हुआ। 75.5 मील यानी 113 किलोमीटर जेहलम रावलपिंडी सेक्शन 1880 में ब्रॉड गेज के तौर पर खोला गया। बाद में 1888 से 1897 के दरमियान खतरनाक मोड़ ख़त्म किए गए जिससे रेलवे लाइन की लंबाई बढ़कर 75.5 मील यानी 121 किलोमीटर हो गई। रावलपिंडी पिशावर सेक्शन के सर्वे का आगाज़ 1876-77 में अटक तक 3 मरहलों और मंसूबों में किया गया, जबकि 1877-78 में पिशावर के हतमी रूट का तयन कर लिया गया। 1881 में रावलपिंडी से पहला सेक्शन खोला गया जिसे 1883 में पिशावर तक तोसी दे दी गई। रावलपिंडी वजीराबाद के दरमियान पीएनएसआर लाइन को मुकम्मल करने के लिए कई बड़े पुलों की तामीर की भी ज़रूरत थी। वजीराबाद गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब पर अलेक्जेंड्रा ब्रिज की तामीर मीटर गेज की हैसियत से 1871 में शुरू हुई, जबकि इसका अफ्तताह 22 जनवरी 1876 को शाह बरतानिया एडवर्ड हफ्तम ने तब किया जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स थे। इस पुल को बाद हज़ार ब्रॉड गेज में तब्दील करके 6 अक्टूबर 1878 को दोबारा खोला गया। इसी तरह दरियाए जेहलम पर जेहलम ब्रिज 1871 में शुरू होकर 14 सितंबर 1876 को मुकम्मल हुआ। बाद हज़ार इस मीटर गेज पुल को भी ब्रॉड गेज में तब्दील करके 6 अक्टूबर 1878 को दोबारा खोला गया। इनके अलावा भी बाद बड़े दरियाओं पर पुल तामीर किए गए जिनमें सोहान, बायहान, बशिंदरा, सुहावा, बुकराला और दीना ब्रिज शामिल थे। जनवरी 1886 में पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे को सिंध पंजाब दिल्ली रेलवे, इंडस वैली स्टेट रेलवे, सिंध सागर रेलवे के मशरक़ी हिस्से और सिंध पश्चिम स्टेट रेलवे के जनूबी सेक्शन के साथ मिलाकर NWSR यानी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे बना दिया गया। यही बाद में NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, PWR यानी पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और PR यानी पाकिस्तान रेलवेज में तब्दील हुई। यूं रेलवे का नाम तो बदल गया लेकिन इसकी तारीख और जुग्राफिया तब्दील नहीं हुआ। चुनाचे दरिया के बड़े और तवील पुलों के अलावा इस सेक्शन में 4 सुरंगें भी बनाई गईं जिन्हें बुलंदों वाला पहाड़ों का सीना चीर कर तामीर किया गया। पहली सुरंग चकलाला और सिहाला रेलवे स्टेशनों के दरमियान है, लेकिन ये छोटी सी सुरंग पलक झपकते ही गुजर जाती है। और ये दूसरी सुरंग है जो कल्याम आवान और मंदरा रेलवे स्टेशंस के दरमियान है। ये कदरे लंबी है और एहसास होता है कि ट्रेन वाकई किसी अंधेरी जगह से गुजरी है।
इस वक्त हम मंदरा से गुजर रहे हैं। इसे अब तक जंक्शन कहते हैं क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ से चकवाल के रास्ते कोहस्ताने नमक के ऐन कदमों में वाक़ कस्बे भवन तक ट्रेन जाया करती थी, लेकिन 1915 में बिछाए जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को 1993 में बंद कर दिया गया था। ये इस इलाके का दिल गुजर खान है, रावलपिंडी की 7 में से 1 तहसील का हेडक्वार्टर। गुजर खान को राजों की तहसील भी कहा जाता है, जबकि यहाँ के बेशतर मकीनों का कोई ना कोई रिश्तेदार बरतानिया में मुकीम है, इसलिए बाज़ औक़ात इसे मिनी इंग्लैंड पुकारा जाता है। शहर में इस रुझान की अलामत साइन बोर्ड्स की शक्ल में नज़र आती हैं, जिन पर आम मसनूआत से ज़्यादा बरतानिया के वीज़े में मदद के इश्तहार दिखाई देते हैं। अब हम सुहावा से गुजरते हुए तरक्की रेलवे स्टेशन की जाने बढ़ेंगे। ये वही सुहावा है जिसे पोठोहार का आखिरी मकाम कहा जाता है, यानी पोठोहार रावलपिंडी के शुमाल में वाक़े मारगला के पहाड़ी सिलसिले से जनूबी ज़िला जेहलम के कस्बे सुहावा की पहाड़ियों तक का इलाका है। मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की खुद नविश्त तस्के बाबरी में पोठोहार की हदूद के लिए आज मारगला ता धमक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये धमक सुहावा के मशरक में पहाड़ियों के दरमियान में वो जगह है जहाँ मशहूर मुसलमान फातह शहाबुद्दीन गौरी को शहीद कर दिया गया था, और उनकी और उनके शहीद साथियों की खबरें अब भी वहाँ मौजूद हैं। सुहावा का नाम सो आवा से मुस्तार लिया गया है, जिसका मतलब है 100 बर्तनों की भट्टी। इसे 639 हिजरी बमुताबिक 1241 ईस्वी में राजपूतों की कौम सोहा या सुहावा से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू ने आबाद किया था। ये मजमू इलाका कदीम दौर से पब्बी के नाम से मौसूम है। रिवायती तौर पर महाजोत के बेटे कयास खान की औलाद यानी कौम कसवाल 1810 हिजरी मुताबिक 1407 ईस्वी में यहाँ आबाद हुई। मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में ये सुल्तान जलाल खान को अता हुआ, लेकिन आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यह इलाका रुआसाए फरहाला से लेकर गखड़ाने मीरपुर को इजारे पर दे दिया। इसके बाद ये यके बाद दीगरे सुल्तान मुकर्रब खान गखड़, गुजर सिंह भंगी और सरदाराने अटारी के कब्जे में रहा। सल्तनत बरतानिया की अमलदारी में आने के बाद 1849 में
रावलपिंडी को ज़िला बनाया गया तो इस इलाके को रावलपिंडी में शामिल किया गया, लेकिन 1851 में इसे ज़िला जेहलम की तहसील बना दिया गया। ये सारा इलाका सतह मुर्तफा है और इस खत्ते में फैली ऊंची नीची पहाड़ियों और चट्टानों की हालत अपनी बनावट और मजबूती के लिहाज से जानवरों की पीठ की सी है। इस इलाके की जबान में पीठ को पुट कहते हैं और आर के मानी है मानिंद। मतलब ये हुआ कि ये इलाका कुर्रा अर्ज़ के इस हिस्से में पीठ की तरह उभरा हुआ यानी पुट आर है। यही लफ्ज़ कसरत इस्तेमाल से पुठवार, पोठोवार या पोठोहार बन गया है। पोठोहार संगलाख पहाड़ों, चट्टानों और तारीखी मकामात का मरकज़ है। इसकी सुहानी सवेरें, मुस्कुराती शामें और मत भरी रातें बेहद मशहूर हैं। कहते हैं कि तफरी सिर्फ बर्फीली पहाड़ी चोटियों या उनके दामन में जाकर ही मुयस्सर नहीं होती, बल्कि हरे भरे मैदान, संगलाख पहाड़ और बालखाती नदियाँ भी तफरी तबाह का सबब बन सकती हैं और पोठोहार में ये सब कुछ मौजूद है। ये एक वसी खत्ता है, इसलिए कहा जाता है कि पोठोहार की खूबसूरती देखने के लिए ट्रेन का सफ़र बेहतरीन जरिया है, क्योंकि रेलगाड़ी इसके पहाड़ों, खेतों, चट्टानों और वादियों से बलखाती गुजरती है। अब हम यके बाद दीगरे तरक्की की उन सुरंगों में से गुजरने वाले हैं जो इस सेक्शन की खूबसूरती, दिलचस्पी और क्लाइमेक्स कहलाती हैं। सुरंगों से निकलते ही इस सेक्शन का सबसे तवील मोड़ आता है। ये कमोबेश 9 मील लंबा है। इस मोड़ से न सिर्फ ट्रेन का अकवी हिस्सा साफ नजर आता है, बल्कि अगले रेलवे स्टेशन बुकराला का मंजर भी दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई मकामात ऐसे हैं जहाँ से ट्रेन का पिछला हिस्सा देखा जा सकता है। यहीं बाएं हाथ को अल कादर यूनिवर्सिटी ज़ेर तामीर है। पाकिस्तान की इस पहली सूफी यूनिवर्सिटी का नाम पीरान पीर गौसल आलमीन सैदना अब्दुल कादर गीलानी के नाम पर रखा गया है।
महसूस होता है कि अंग्रेज़ों ने यह रेलवे सेक्शन ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नक्शे कदम पर तामीर किया है, क्योंकि रावलपिंडी से वजीराबाद और फिर वजीराबाद से लाहौर तक रेलवे ट्रैक जीटी रोड के मतवाजी चलता है। वैसे तो सड़क और रेलवे लाइन मुसलसल एक दूसरे से आंग मचोली खेलते हैं, लेकिन गुंगरियाला रेलवे स्टेशन पर जीटी रोड और रेलवे ट्रैक जुड़वा बहन भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तवील फासले तक बराबर बराबर चलते हैं। दर्जनों दफा ट्रैवल किया मैंने, बल्कि बाद अवकात में लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोगों के इलाके, आप तो रहने वाले हैं, आपसे ज्यादा मैं आपके इलाके को जानता हूँ। रावलपिंडी वजीराबाद सेक्शन को ये एजाज भी हासिल है कि पाकिस्तान का सबसे तवील रेलवे ब्रिज भी इसी पर वाक़ है। ये दरिया झेलम पर मौजूद झेलम रेलवे एंड रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.6 मील यानी 4.225 किलोमीटर है। इस खूबसूरत रेलवे सेक्शन का इख्तिताम गुजरात के अलेक्जेंड्रा ब्रिज और नाला पलखू पर बने पलखू ब्रिज पर होता है, जिसके बाद ट्रेन वजीराबाद के रेलवे यार्ड में दाखिल हो जाती है, जो पाकिस्तान रेलवे के अहम तरीन और चंद मुश्किल तरीन यार्ड में से एक है। आप इस यार्ड और ट्रेन के वजीराबाद में दाखिले का मंजर देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
आगे मस्जिद सारे रोक।